वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कितने रेपिटेशन लगाने चाहिए हर एक एक्सरसाइज में। अगर आप फैट लूज करना चाहते हो तो उसमें कितने, अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो तो उसमें कितने रेपिटेशन लगाने चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपने सबसे पहले खुद को अपने आपसे क्वेश्चन पूछना है कि मेरा गोल क्या है, कि मैं फैट लूज करना चाहता हूँ या मसल गेन करना चाहता हूँ। तो जो आपका आंसर होगा वो डिटरमाइन करेगा कि आपको कितने रेपिटेशन लगाने चाहिए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप फैट लूज करना चाहते हो तो आपको कितने रेपिटेशन निकालने चाहिए। सो जो टॉप के ट्रेनर है उनको पता है कि 8 से 15 रेप्स इज बेस्ट फॉर फैट लूज के लिए। एंड एक रिसर्च ने शो किया कि जो सेट को सेम रेंज में स्टिम्युलेट करते हैं उनके जो फैट बर्निंग हार्मोन होते हैं वो इंक्रीज होते हैं उनके मुकाबले जो कम रेप्स निकालते हैं। ऑफ कोर्स 8 से 15 रेप्स इज बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर फैट लूज, बट आपको आगे चल के इनको चेंज करना पड़ेगा। आप इनको अपने वर्कआउट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे 12 से 15 रेप्स, 10 से 12 रेप्स एंड 8 से 10 रेप्स ऐसे चेंज कर सकते हो। सो ये सबसे इफेक्टिव रेप रेंज है फॉर फैट बर्निंग के लिए। तो आप इनमें से कोई भी रेप रेंज चूज कर सकते हो एंड स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट रेप रेंज रहेगी वो 12 से 15 रहेगी, एंड उसके आप 2-4 हफ्तों के बाद में आप स्विच कर सकते हो, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो तो आपको कितने रेपिटेशन लगाने चाहिए। आपके लिए बेस्ट रेप रेंज रहेगी वो 8 से 12 है। तो 90-54 की अप्रोच में इसने सबसे अच्छे से काम किया मसल बिल्डिंग में। एंड अगर आपको 1-2 साल हो गया वर्कआउट करते हुए तो आपको 5 रेप्स भी लगा सकते हो एंड लास्ट सेट में मैक्सिमम 1 रेप्स तक भी जा सकते हो। इससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मसल बिल्डिंग में। तो 1 मैक्स रेप्स में मैंने एक और वीडियो में भी बात की है डिटेल में, आप अगर देखना चाहते हो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको स्विच भी कर सकते हो 3-4 हफ्तों के बाद में, एंड जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आप इसको ऐसे स्विच कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया कि आप 5 रेप्स तक जा सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होगी होगी कि हमें कितने रेप्स लगाने चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। एंड अगर हो सका तो मैं आपके लिए वीडियो भी ले आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।